तो दोस्तों आज हमारा रेस्ट्री और से फेस क्लीन, आई क्लीनिंग, ईयर क्लीनिंग और उनको नहलाना है भाई। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई अभी हमारे रेस्ट्री और सिम्बा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ध्रुव ये? खेल रहे भाई। सिम्बा को ऐसा बड़ा पसंद है। चलो भाई अभी नहाना है भाई अपने को, ठीक है ना? आज धूप भी बहुत अच्छी निकली दोस्तों और आज ठंड भी कम है, तो चलो भाई अभी हमारे रेस्ट्री और सिम्बा को आज नहला ही देते यार। ये देखो, अरे यार चल, अरे अरे चल, आ जा आ जा आ जा, चल आ जा चल। तो आज हमारे रस्ती और सिम्बा का भी केज क्लीन करना है और हमारे जो न्यू वाले डॉग है इसका भी हमें केज क्लीन करना है। और दोस्तों हम क्या कर रहे हैं यार भाई? ये इतनी खेलती है भाई, इतनी खेलती, इतनी एक्टिव है भाई, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेती। और दोस्तों आज हमने सोचा है कि यार हम इसे लैप डॉग, लैप पबी, चल आजा ऐसा करके पुकारते हैं भाई। ठीक है, तो हमने सोचा है दोस्तों आज इसका हम नाम ही रख देते हैं भाई। ठीक है, अरे भाइयों ने कमेंट्स में कहा था अलग अलग नाम, बट हमने एक नाम दिया था उसमें से स्कूबी, जो कि हमें पसंद आया था और मैंने बोला भी था भाई स्कूबी नाम अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, और ये वाला भाई भी बोला था, तूने क्या नाम बोला था? स्कूबी। तो पहले सिम्बा बोला था यार, ठीक है ना, मेल रहता तो हम सिम्बा जरूर रखते। रेस्टी को कुछ लेना देना नहीं है भाई, कुछ नहीं भाई। ये देखो ये हमारी रेस्टी, इसे कुछ लेना देना नहीं है। ये देखो ये ऐसे ही बैठी रहती है, सिर्फ हमारा सिम्बा और हमारे जो न्यू वाली डॉग है वही खेलते रहते हैं। ये देखो बिल्कुल रुक रहेगा नाम, चल जाओ आजा 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 आजा, इधर इधर वही आजा 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 आजा, चल 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 चल। तो चलो यार दोस्तों अभी हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कर लिया, अभी हमारी स्कूबी भी आज नहाने वाली है। ठीक है ना, है स्कूबी? क्या क्या कर रही है भाई, शांत तो बैठ जा भाई, दो एक सेकंड भी नहीं शांत रहती भाई ये। तो चल ध्रुव अभी हमारे रेस्टी और सिम्बा को कहाँ गई, ये दोनों तो यही पे बैठते। चलो चल रेस्टी, सिम्बा रेडी हो जाओ भाई, आज तुम्हें नहाना है दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम रस्टी और सिम्बा को जब नहलाते हैं ना भाई, इस वाले केज में बंद करना पड़ता है क्योंकि इनको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं दोस्तों। और हमारे जो न्यू वाली डॉग है वो तो एकदम फ्रेंडली है। चलो भाई हमारे रस्टी और सिम्बा ने तो नहा लिया, तो अभी हम कर रहे हैं हमारे सेटअप की क्लीनिंग। दोस्तों हमारे रस्टी ने भी नहा लिया, अभी हमारे रस्टी देखो यार कितनी क्लीन लग रही है। ओए आराम से रस्टी, आराम से। सिम्बी 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 ने आज नहाया है, ये देखो कितना क्यूट लग रहा है भाई हमारा सिम्बा। चल भाई अभी थोड़ी देर अंदर चल, बाहर धूप है, ठीक है ना? चलो भाई इनको अभी मैं अच्छे से क्लीन कर देता हूँ। ओए आराम से, तू भी आराम से भाई, मैं जैसे नीचे बैठता हूँ ना भाई ये जंप करते डायरेक्ट। हमारा जो लैब डॉग है ये भी नहाना चाहती थी आज, बट यार इसने क्या किया यार, हमारे सेटअप में परसों ही आई ना ये, तभी उसी दिन हमने इसको नहला दिया था, तब हमारे सेटअप में हमने ऐड किया था। ठीक है, तुझे अभी नहाने की कोई जरूरत नहीं यार। दोस्तों हमने इसका जो नाम है फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, तो इसका हमने नाम रख दिया है दोस्तों स्कूबी। इसका नाम स्कूबी क्यों रखा भाई? क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव है भाई, एक सेकंड भी रुकती नहीं यार। ठीक है, इतनी ज्यादा एक्टिव है, ये देखो यार छोड़ दे दूर अभी इसे छोड़ दे, ये देखो ये इतनी ज्यादा एक्टिव है यार, एक सेकंड भी नहीं रुकती यार, क्या ही। इसी की वजह से इसका हमने नाम रखा है स्कूबी। स्कूबी इसका एक्टिवनेस दिखाता है अभी। स्कूबी 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 स्कूबी, चला जा आ जा, चल आ जा आ जा, चल आ जा आ जा अंदर भाई। यार क्या यार, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं रुकती यार। चल 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 चल, क्या हुआ, डरता है तू क्या भाई? क्या लेके आ गए हमारे डॉग और सिम्बा के लिए? ओ भाई अच्छा, चलो इनके अभी ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो हमारे कैट्स हैं रस्टी सिम्बा, उसके लिए हमारे ना जो फिश ग्रेवी ना वो मिक्स करते हैं, और डॉग के लिए अपन वो जो ग्रेवी ना चिकन वाला चिकन मिक्स करते हैं। चलो भाई इनका भी खाना बना लेते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको मिलता हूँ। चलो आ जाओ भाई रस्टी सिम्बा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे डॉग की ग्रेवी, ये हमारे रस्टी और सिम्बा की। तो चलो भाई सबसे पहले हमारे डॉग को देते हैं भाई। चल आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, खा ले भाई खा ले। ओए आराम से यार, ओए आराम से यार, ये देखो यार। चलो भाई इसे भी खाने देते हैं। ये हो गई हमारे रस्टी और सिम्बा की। चलो आ जा आ जा आ जा आ जा, चल रस्टी सिम्बा आ जा भाई, चल चल भाई। सिम्बा तेरा वो है, सिम्बा रस्टी तेरा ये, चल खा ले, खा लो खा लो, आराम से खाओ यार। रस्टी और सिम्बा को खाने में तो पूरी इवनिंग लग जाएगी भाई, बहुत धीरे धीरे खाते हो ठीक है। और हमारे डॉग का देखते हैं, खत्म सही है भाई इसका स्पीड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सूर्यफूल को ऐसे रहने देते हैं, निकाल लेते हैं अभी, मुझे देखने दे। ओ यार इसकी जो बीज दोस्तों, इसके जो बीज है ना यार नीचे गिर रही है। हो गया भाई, हो गया। ओ भाई साहब कितनी बड़ी है यार ये देखो यार, चेक करो यार। भाई इसको हमने खत इतना दिया है ना भाई, और जो इनको पानी डाला है ना हमने, सारा फिशेज का जो पानी निकलता ना इनको दे देते थे ठीक है। और जो हमारे पिजन बजीज वगैरह जो उनका जो निकलता ना इधर डालते थे भाई ठीक है, तो इसी की वजह से इतना अच्छा ये ग्रो हुआ है यहाँ पे।
बीच का भी अच्छा हाँ ना। मैं क्या बोल रही थी, सूखने के लिए भी ऐसे छोड़ने देते क्या, क्योंकि एक एक बीज बीज निकल रही है यार इधर से, इसको कट कर लेते हैं और रखने देते हैं धूप में। अभी क्या करने का, कट करने का, कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, रख देते धूप में। फाइनली हमारा जो सूर्यफूल का फूल था उसके जो अंदर के बीज थे ये अभी पक चुके हैं दोस्तों। तो चलो भाई इसे अभी हम क्या करते हैं, धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और इसमें जो जो बीज निकलेंगे ना उसे खाकर देखेंगे भाई, ठीक है। तो इसे यहीं पे रख दूं ना ध्रुव, ऊपर ऐसे धूप में सूख जाएगा ये, ठीक है, ओके, गिरना मत भाई। और बाकी के जो है वो तो अभी हो ही रहे है, ये तो अभी आया हुआ है, ये भी देखो ये भी अभी निकला है के जो फूल है अभी तक निकले नहीं है, फूल निकलेंगे तभी भी छोटे छोटे वाले ऐड कर देंगे। दोस्तों आपको पता होगा यार, कल हमने हमारे सेटअप में 3 टंकियां ऐड की थी और उनमें हमारे शॉर्टटेल मॉली छोड़े थे। तो चलो यार दोस्तों अभी उनको मैं फीड भी दे देता हूँ। ओ यार बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है दोस्तों यार हमारे यहाँ पे, ये देखो भाई सूरज बिल्कुल ऊपर ही है। ओए ओए मॉर्निंग में मैं इनको फीडिंग करने आया था ऊपर और अभी इनको दोपहर के भी फीड दे देता हूँ। दोस्तों आप अभी देख सकते हो यहाँ का वाटर तो पूरा क्लीन ही हो चुका है भाई, और यहाँ का तो थोड़ा थोड़ा अभी ब्लर था, अभी थोड़ा हल्का सा क्लीन हो चुका है और यहाँ का भी क्लीन ही हो चुका है। ये देखो भाई कल हमने देखा था यार, आपने देखा था यार पूरा ब्लर पानी था दोस्तों ये दोनों टंकियों में, और ये तो क्लीन ही था। तो दोस्तों मैं हमारे फिशेस को दे रहा हूँ भाई आफ्टरनून मिड ब्लड वॉर्म, तो चलो भाई अभी मैं इनको दे रहा हूँ, आ जाओ भाई। ये अभी डरते हैं दोस्तों बट थोड़े ही दिनों में, ये देखो भाई यहाँ की तो आ गई ऊपर। ये दोस्तों हमारी मुंटेल मॉलीज, ये देखो भाई इनको भी मैंने दे दिया। हमारी शॉर्ट टेल्स और जो प्लैटीज है डर रही है पता नहीं क्यों, मॉर्निंग में आई थी यार ऊपर, शायद से इनका पेड़ भरा होगा। और दोस्तों यहाँ के जो अभी पत्ते ना और एक दो दिनों के बाद इतने अच्छे से ग्रो होने वाले ना भाई, पूरे पानी के बाहर आ जाएगा यार, पूरा मजा आने वाला है भाई यहाँ पे। और यहाँ के भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ का एक पत्ता निकल चुका है, वहाँ का एक पत्ता निकल चुका है, और हमारे मौली के पौंड का भी आप पत्ता देख सकते हो, यहाँ पे भी एक पत्ता निकल चुका है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और एक हफ्ते के बाद यार यहाँ पे पूरा हरा हरा हो जाएगा भाई, बहुत अच्छा दिखेगा दोस्तों यहाँ पे। ओ भाई 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 शॉर्ट टेल्स भी आ गई यार, ये देखो भाई एक एक करके हमारे अभी शॉर्ट टेल्स भी खाना खा रही है, अरे वाह इनको देखने का बड़ा सुकून लगता है। और दोस्तों आपको पता होगा यार, हमने हमारे गप्पी फिश रूम में कुछ दिनों पहले कुछ गप्पीज ऑर्डर किए थे और हमारे सेटअप में वो आ भी गए थे दोस्तों, तो अभी उनका भी अपडेट चेक कर लेते भाई वो क्या 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 कर रहे है भाई। चलो इनको भी मैं फीड दे देता हूँ। ये देखो दोस्तों ये होगी हमारी व्हाइट स्नो गप्पीज और उसमें कुछ मिक्स गप्पीज है दोस्तों जो कि हमें निकाल लेनी है। सारी गप्पीज जैसे आ जाएंगे ना दोस्तों हम सारे गप्पीज निकाल लेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक एक ब्रीड वाइज एक एक पेयर रखने वाले हैं हम, कि जैसे पेयर मिलेंगे वैसे पेयर रखने वाले हैं, मतलब एक ब्रीड का एक पेयर नहीं तो दो पेयर से तीन पेयर रखने वाले। ये देखो व्हाइट स्नो का भी हमारे पास एक पेयर है और यहाँ पे है, कहाँ गया यार ये, ओ हेलो ब्लैक रिबन गप्पी भाई है ना यार, हाँ 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 ये देखो भाई इसका जो कलर है ना मैच हो गया, इसकी फीमेल आ गई और ये मेल भी आ गया दोस्तों, ये देखो यार वाओ वाओ। यहाँ पे तो हमारे से ब्लैक रिबन का मेल है और ब्लैक रिबन की फीमेल है, और यहाँ पे सांता क्लॉस गप्पीज का सिर्फ मेल है हमारे पास, इसकी फीमेल भी थी बट यार वो नहीं बच सकी। तो चलो भाई इसको भी मैं फीड कर देता हूँ, 5 भाई इसके लिए काफी होगा। इसके लिए दोस्तों बहुत जल्द हमें एक फीमेल भी लानी है। दोस्तों एक बैड न्यूज़ भी है और हैप्पी न्यूज़ भी भाई, तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यूज़ दे देता हूँ जो कि दोस्तों हमारे जो गोल्ड गप्पीज है इन्होंने यार कल ही बच्चे दिए, जैसे कि मैंने ये वाले ब्रीडिंग नेट में इनको निकाल के रखा था। और अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे देखो यार कितने सारे बच्चे, इनके पहले बच्चे तो यहीं पे है जो कि आप ये देख सकते हो बड़े बड़े, और ये जो ऊपर देख रहे ना दोस्तों ये कल रात ही इन्होंने बच्चे दिए हैं जो कि येलो कलर के, और ये पहले वाले बच्चे कितने बड़े हो गए ना, ये 15 दिन के हो ही चुके होंगे, और कंप्लीट 15 दिन के बाद हमारे गोल्ड गप्पे ने बच्चे दिए है। वाह यार बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों ये बच्चे, वाह। और ये दोनों फीमेल्स को मैंने हमारे ब्रीडिंग नेट में ऐड कर दिया था दोस्तों। अभी हैप्पी न्यूज़ तो आपको मैंने दे दी, और जो बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ ऐसी कि हमारे पास गोल्ड गप्पी का जो मेल था तो यार उसकी डेथ हो गई, मतलब कैसे हुई यार बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, मतलब कोई डिसीज भी नहीं कुछ नहीं भाई, नेचुरली उसकी डेथ हुई है। मतलब मुझे तो ऐसा रीज़न लग रहा है कि भाई उसकी जो एज है वो कम्प्लीट हो गई होगी, तो इसी की वजह से ये उसकी डेथ हुई है ऐसा मुझे लग रहा है यार। अभी देखता हूँ भाई, मेरा एक दोस्त है उसको भी पूछ के देखता हूँ, मैंने
मुझे जिस भाई ने गिफ्ट किया था ये गोल्ड गप्पी का पेयर, अभी उसी भाई को मैं पूछता हूँ। आप मेरे दोस्त को पहचानते होंगे ओम भाई को, उसने मुझे ये पेयर दिया था। पेयर मतलब एक मेल था और दो गोल्ड गप्पी की फीमेल थी। अभी उसको ही कॉल करूंगा और उसको ही पूछूंगा भाई इसकी एज वगैरह क्या थी। और दोस्तों आपको पता ही होगा भाई, ये तो मेरे फेवरेट गप्पी में से एक गप्पी थी यार, ठीक है। तो बहुत जल्दी यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, जल्दी से जल्दी मैं फिर से गोल्ड गप्पी का मेल और फीमेल बहुत सारे लेके आऊँ और उनका एक सेटअप ही बना दूँ यार, क्योंकि बहुत दिखने में इतना मजा आता है ना भाई। तो दोस्तों कल हमारे सेटअप में एक न्यू पेट आने वाला है जो कि आपको कल दिखने को मिलने वाला है यार, ठीक है। मैं कल उसको पिकअप करने जाऊंगा क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर करके रखा है यार, तो वो आज रात को निकलेगा और कल हमें रिसीव होने वाला है। और मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, क्योंकि बहुत दिनों से मैं उसके पीछे लगा था और फाइनली वो मुझे मिल भी गया जो कि हमें कल रिसीव होने वाला है दोस्तों। तो क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। भाई इसके पास तो मेरे से भी ज्यादा फिश है यार, ऐसा लगता है। मैं क्या बोल रहा, कल का हमारा जो सरप्राइजिंग पेट है कौन सा आने वाला है तुझे, तुमको क्या लगता है? डॉग आने वाला है। डॉग? डॉग तो आ चुका है यार, अभी अगला वाला डॉग तो बहुत लेट आने वाला है। तो गोल्डन फिश आ सकती है। गोल्डन फिश? अभी आप ही गेस करो भाई हमारे सेटअप में क्या आने वाला है, वो तो सरप्राइज है यार, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।